हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यहाँ पर हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। जो मैंने पिछले व्लॉग में जो बताया था कि हम जा रहे हैं कहीं, मेरे दीदी के घर, दीदी के खुद का घर नहीं है, वो उधर रह के काम करती है, तो उधर अभी दीदी को देखने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। तो मम्मी यहाँ पर एकदम पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। मम्मी चेहरा दिखा दो। मम्मी हो चुके हैं यहाँ पर रेडी दोस्तों। पापा भी वहां पर रेडी हो चुके हैं, लेकिन पापा हमें सिर्फ छोड़ने जा रहे हैं, अभी से हाथ हिला रहे हैं, देख रहे हो दोस्तों, छोड़ने जा रहे हैं दोस्तों। उनकी खुशी की कोई लिमिट नहीं है, घर में वो अकेले रहेंगे ना। क्या बात है, हम दोनों मम्मी और बच्चा तो गए, मस्त पापा एंजॉय करेंगे दोस्तों। हाँ ये कर लो पहले, चलो। हाँ ना, मुझे सैंड मारा हूँ, सैंड मारा हूँ जबरदस्ती, क्यों गंधा रही हो? अरे 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 अरे, देखो अजीब जबरदस्ती भाई। चलो चलो रेडी हो गया, मेरे पास चार्ज भी नहीं है और 4K में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो अंधेरा कर दिया, इतना क्या जल्दी है, पहले निकलना चाहिए था ना। पापा यहाँ पर खड़े होकर गुस्सा हो रहे हैं दोस्तों। अबे बारिश हुई थी, घर के अंदर रहूंगा कहाँ जान पाऊंगा। तो दोस्तों सीधा कट टू ट्रेन स्टेशन करते हैं, सीधा ट्रेन स्टेशन में ही मिलते हैं। ओके 1 2 3। तो स्टेशन में आ चुके हैं दोस्तों, अभी हमारे ट्रेन का वेट चल रहा है, उसका टाइमिंग है 4:45, तो 4:45 का वेट चल रहा है दोस्तों। अभी 4:30 हुए हैं, सो लेट्स वेट फॉर द ट्रेन, आएगा फिर सामान पकड़ के एनिमी से हेड करेंगे। खराब सिचुएशन तब आता है कि तुम एक प्लेटफॉर्म में वो ट्रेन का युवा वेट कर रहे हो, लेकिन पता चले अनाउंस हुए कि ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म में आ रहा है। दिस इज सो बैड गाइस। अरे छोटी बच्ची हो क्या, आप भी आओगे क्या? नहीं नहीं मैं जाने वाला नहीं हूँ। जी माँ, ये ट्रेन कम बस क्यों लग रहा है ज्यादा? जा पूछ क्या। अरे हाय करो यार, घर वालों ने सिखाया नहीं, जाते हुए ट्रेन या एरोप्लेन को हाय बोलते हैं, देख रहे हैं लेकिन हाय नहीं कर रहे हैं। हेलो गाइस, आप लोग ब्लॉग में आ रहे हो, नंगा बदन आपका दिख रहा है। हेलो हेलो, अरे 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 अरे, अरे वो क्या कर रहे हैं। फाइनली रीच बलांगीर गाइस, आफ्टर सो मेनी डिफिकल्टीज बेगुला के पहुंच गए हैं। दीदी हमारा स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे इंतजार कर रही है, हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे रुकाया है, तो अभी फिर से सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा, और सीढ़ी चढ़ने के लिए डॉक्टर ने मम्मी को मना किया है। सो मच डिफिकल्टीज इन आवर लाइफ दोस्तों। बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है दोस्तों। मेरा मुंह काला काला दिख रहा है क्या दोस्तों? मेरे को पता है, छोड़ो रहने दो। सीढ़ी है, आप बैग मेरे को दे दो, ठीक है? बैग मैं उला देता हूँ, दोनों बैग मेरे कंधे पे दोस्तों, आप आराम से चलो, नहीं कैमरा भी मैं ही संभालूंगा। मैं तो तेरे को हरा भी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। देखो नानी नानी सुनो ना, मते जुड़े बैग धरे दी छन, नी आराम से चलते लाओ जन, देखो जन नानी तुम्हार माँ के देखो। वेट अ मिनट, आप आराम से चलो, नहीं कैमरा भी मैं ही संभालूंगा। हरामी है, बहुत हरामी। को वाला माहौल नहीं लग रहा है दोस्तों, ट्रेन स्टेशन की डिस्को पर ले जो। जा पूछ क्या बोल रहे हो। दुई भाई बहन मुआंसो गुठे ना नती है। मम्मी बोल रही है कि मैं और मेरी दीदी के शरीर में मांस का एक टुकड़ा भी नहीं है, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जा रहा है? हाँ, क्या है, पकड़ो कैमरा, पकड़ो कैमरा, पकड़ो। देखो तुम देखो, हम कहाँ, हम पतले लग रहे हैं, हम पतले लग रहे हैं, इतने पतले भी नहीं। वी आर फिट एंड फाइन, वी आर नॉट पतला, वी आर नॉट कुपोषण का शिकार। टेम्पो रेडी था दोस्तों, ये होता है फायदा। दीदी का फायदा क्या होता है कि सब कुछ पहले से जुगाड़ करके रखे है ना गाइस। आओ आओ, आप नहीं भी आओगे तो भी चलेगा, आपको कौन देखने आया है। माँ भाई भाई, हम दोनों पार्टी करने जा रहे हैं। दीदी मेरे को रख लिया दोस्तों अपने पास, मम्मी को टाटा बाय बाय। तभी मिलता है क्या इधर, गरम कुत्ता खाना मेरे दोस्तों। यहाँ पर हम गरम कुत्ता खाने आए हैं, तो हम गरम कुत्ते को पूंछ से पकड़ेंगे और खाएंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे दोस्तों। मैं काला दिख रहा हूँ दोस्तों, माफ कर दो दोस्तों,
उसके बाद घर चले जाएंगे, उधर मिलते हैं दोस्तों। ये रही हमारी बड़ी मम्मी दोस्तों, आप सिर्फ वीडियो कॉल में देखे होंगे, आज साक्षात सामने आ गई हैं। आज ब्लॉग आशीर्वाद से एंड हो रहा है दोस्तों, काफी अच्छा लग रहा है, फिर कोला कोला दिखते हैं। ये टीवी है दोस्तों, टीवी को उड़ा दिए हैं, कपड़ा सो रहा है वो अभी, उसको डिस्टर्ब मत करना। और ये रही मेरी मम्मी अपना गंदा सा पैर पकड़ के आते हुए, जब एक्सीडेंट हो गए थे दोस्तों, ये हुआ है हाल। मेरे को कुछ नहीं हुआ है, बस मेरे वो थोड़ा निचले हिस्से के टो में थोड़ा सा लगा है बस, कुछ ब्लड ब्लड नहीं निकल रहा है। पापा का पामर साइड और मम्मी का ये थोड़ा डिफेक्ट हो गया है। रास्ते में थोड़ा एक्सीडेंट हो गया दोस्तों, गाड़ी स्लिप हो गया, होता है, मिस्टेक हुआ, हाथ गोड़ थूतना मुँह सब आड़ो है। एक्सीडेंट। ये है दीदी, ये दीदी का बाहर वाला खट, भीतर वाला खट, ये दीदी का एसी, ये दीदी का वो क्या बोलते हैं, एसी थोड़े है, वो दीदी का स्टेबलाइजर, दीदी का पर्दा, दीदी का मुचला, और ये दीदी का बेडशीट दोस्तों, बेडशीट हाँ, जो उड़ी होते हैं रात को ठंडा लगने से। किसको फ्लाइंग किस दे रहे हो मम्मी? नंबर सोते ना। अरे भाई भाई ठीक है भाई। दोस्तों ये था घर से दीदी के घर तक आने का पूरा माहौल, पूरा वीडियो यहाँ तक का था ये सिस्टम। उसके बाद कल सुबह उठ के देखते हैं दोस्तों हमारे साथ क्या क्या होता है। कल दोपहर तक रहना है, फिर शाम को जैसे आ चाहे वैसे शाम को वापस चले जाना है घर। कल फिर शूट करते हैं, आज के लिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूं आपको कल के ब्लॉग में, कल या फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। पिपुली रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत सारे फैमिली के साथ आए होते हैं तो उनका कोई टेंशन नहीं होता, सब अपना अपना सामान पकड़ के होते हैं। और कुछ होते हैं बेचारे अकेले, जिनके पिछवाड़ा एकदम भीग चुका होता है, वो अकेले सब कुछ ट्रैवल करना, तो अपना सामान खुद बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। और ये हमारी एक फैमिली, दोनों अपना अपना फोन पकड़ के बस स्टेटस डालने में लगे हुए हैं। ओह माय गॉड।